अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज काकू की शादी है। मैंने चंडीलाल काकू और असद को बुला लिया। काकू कितना खुश हुआ है। काकू हाय, कैसा है? ठीक है यार। असद, मैंने तुझे कहा था तूने काकू की शादी की सारी तैयारियां करनी है, हो गई? सब तैयारी हो गई। फिर यार तुम लोग एक काम करो, तू और चड्डीलाल ना काकू को सैलून लेके जाओ, इसका फिशल विशल करवाओ, उसको फुल गोरा करवा दो, ठीक है? और हाँ, इसको तैयार करवा के लेके आओ, टाइम हमारे पास बहुत कम है, ठीक है? जल्दी लेके जाओ यार, इसकी बारात भी लेके जानी है। इतना हम लोग भी रेडी शेडी होते हैं, अली को भी रेडी करता हूँ, मैं भी रेडी होता हूँ, ठीक है? मैंने असद और चड्डीलाल को काकू के साथ सैलून भेज दिया। असद और चड्डीलाल काकू को सैलून से तैयार शेयर करवा के लेके आते हैं। हम भी इतना तैयार होते हैं और इस व्लॉग को भी करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं भी रेडी शेडी हो गया हूँ, अली भी रेडी हो गया काकू की शादी के लिए। असद से अभी मेरी बात हुई है, असद बोल रहा है हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा सैलून में, आधा पौना घंटा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मिनी जू जाके भी थोड़ी सेटिंग करनी है काकू के लिए। हम लोगों ने काकू की शादी का कमरा भी सेट करवाया, कार भी सजवानी है काकू की बारात के लिए, और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम करने हैं। और भाई कल जब हम लोग काकू की मेहंदी कर रहे थे ना, तो हमजा उस टाइम गायब हुआ था और अभी तक हमजा कुछ अता पता ही नहीं चला कि हमजा कहाँ गया है। आ जाओ ओली, जल्दी आ जाओ, साइकिल लेके आ रहे हो? चलो फिर जल्दी चलो। मिनी जू आ गए काकू की बारात के लिए। हम लोगों ने कार भी सजवा ली है, के से काकू का नाम बनता है, एस से काकू की दुल्हन का नाम बनता है। और अभी हम लोग काकू की दुल्हन का नाम रिवील नहीं कर दो। नहीं नहीं, अभी नहीं करना भाई, अभी नहीं करना। शादी के बाद हम लोग काकू की दुल्हन का फेस भी रिवील करेंगे और काकू की दुल्हन का नाम भी रिवील करेंगे। और काकू के लिए हम लोगों ने रूम भी सजवा लिया। हाँ चड्डीलाल सज गया भाई, ये पूरा रूम काकू के लिए चड्डीलाल ने सजाया। भाई आपकी शादी थोड़ी है, काकू की शादी है यार। बस अब काकू का वेट कर रहे हैं। जैसे ही काकू पॉलर से तैयार श्यार होके आता है, हम लोग काकू की बारात लेके जाएंगे। और बहुत ही सिंपल शादी कर रहे हैं, लड़की वालों ने सिर्फ 8-10 बंदे ही बुलाए, तो हम लोग सिंपल तरीके से काकू की बारात लेके जाएंगे। बस जैसे ही काकू आता है तो हम लोग बारात लेके निकलते हैं और काकू की शादी करवाते हैं। ओए भाई, असद सैलून से काकू को तैयार करवा के ले आया और दूल्हा बन के काकू किसी हीरो से कम नहीं लग रहा है भाई। डांस तो बोलते हैं, हार पहनाओ हार पहनाओ। ढोले दी मर्जी सुहाना लगता है, सुहाना लगता है, दीवाना लगता है। गली बाबुल चलो आओ यार, आओ आओ, टाइम नहीं है इतना। बस कालिया, बस इतना टाइम नहीं है, सहरा बंदी करते हैं यार। मटकी का ढक्कन लेके आ यार, चड्डीलाल आ यार, सहरा बंदी करते हैं और फिर निकलते हैं काकू की बारात लेके। काकू बैठ, इधर बैठ। वो खुश है ना भाई? यार इसको हार शार पहना दे। कहाँ है हार? एक मिनट, पहले हार पहना दे, लेके आओ यार। यार जो मैं इसके लिए पैसों वाला हार लेके आया था वो कहाँ है? ये ले काकू, ये कालिया पहना, हार पहना, अपने हाथों से ये पकड़ो यार। ठीक हो काकू? खड़ा हो जा। ये तीर मुबारक हो काकू, काकू की शादी हो रही है गाइस। हाँ, गोरी दूल्हा जाएगी, गोरी माँ। लाइक करो गाइस, सब्सक्राइब भी। जियो जियो जियो। वो कहाँ है यार? हम लोग तो मस्ती मजाक में लग गए, मटकी का ढक्कन लेके आ गए। काकू ये अपने पांव से तोड़ना है, ठीक है? तूने तोड़ लेगा? चल तोड़ इसे, तोड़ तोड़ तोड़, जोर लगा के। हाँ तोड़। ओए यार जोर लगा, जोर लगा, जोर लगा, ओए जोर लगा, जोर। ओए यार काकू से तो टूट ही नहीं रहा, क्या हो, क्या करें यार? मैं नहीं, तेरी शादी थोड़ी है यार जो तू तोड़ रहा है। चड्डीलाल अब क्या करें? हाथ से तोड़वा देना है। हाथ से तोड़ दे, हथौड़ी से तोड़वा देते हैं। हथौड़ी लेके आया यार, हथौड़ी से कुल्हाड़ी लिया। अबे भाई कहीं हमें काट दे, चड्डीलाल के उल्टे उल्टे काम है। ये ले भाई कुल्हाड़ी से ना इसको तोड़ दे, ये ले शाबा, तोड़ दे तोड़ दे। हाँ कौन? नहीं तोड़ दे तोड़ दे, कुछ नहीं होगा, तोड़ दे। काकू डर रहा है, तोड़ तोड़ तोड़। हाँ
ओ जियो 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 ओ डांस डांस सुहाना लगता है दिल दीवाना लगता है हाँ दूल्हा 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 जरा सुहाना लगता है दुल्हन का भी दीवाना लगता है वो काकू इतना खुश हुआ हुआ भाई ओए काकू का ओए 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 मुझे भी करेगा ओए लाइक मुझे नहीं ओ भाई ओ ये तो बहुत खतरनाक बंदा है चड्डी लाल ओए चड्डी लाल तेरी धूलल थोड़ी चुमिया कर रहा है चड्डी लाल को यार जियो जियो काकू की सहराबंदी हो गई है काकू की बारात जाने में 15 से 20 मिनट हैं और शादी के बाद पता नहीं काकू हमारे मिनी जू आएगा या नहीं आएगा तो मैंने सोचा काकू की शादी से पहले ही काकू को अपने सारे पेट्स से मिलवाता हूँ सारे पेट्स को हाय कर काकू आ जा सबसे मिल सबसे मिल हाय कर हाय और यहाँ पे यार थोड़ा डांस भी बनता है चल बाहर तू आना झूले राजा गोरी खोल दरवाजा हमजा आ गया हमजा हमजा वो हमजा भी आ गया वो हमजा हमजा वो हमजा ये क्या कर रहा है वो 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 हमजा ये क्या कर रहा है तुझे मैं भाई भाई बोलता रहा भाई भाई तुझे बोलता रहा हमजा गोली मत चलाना तुझे भाई भाई बोलता रहा मैं क्या यार अनस भाई शादी करा दो इधर मेंटल हो के वो ये हमजा घूमते लेके आ गया वो काकू काकू ओए काकू का कुछ नहीं होने दूंगा पीछे आओ काकू को कुछ नहीं बोलना छोड़ दो ओए काकू को कुछ नहीं बोलना इधर काकलों की शादी होगी भाई भाई तू क्या कहता है भाई भाई वो कह रहा है मेरी शादी कराए क्यों नहीं इन पागलों की शादी मैं पक्का तेरी भी शादी करवाऊंगा प्लीज इसकी शादी हो जाने दे मैं देखता हूँ कैसे शादी होती है मैं वादा कर रहा हूँ तेरी भी शादी करवाऊंगा मैं देखता हूँ इसकी शादी कैसे होती है इसको मत मार कुछ मत बोल यार ये पागल है मारा इनके बंदा का भी मारा सबको इतना मारा इन लोगों ने हमजा हमजा प्लीज प्लीज हमजा प्लीज हमजा प्लीज हमजा प्लीज आगे आगे मत जाना गोली मत चलाना गोली गोली मत चलाना यार ये क्यों बहुत मार रहा हूँ यार काकू का क्या हाल कर दिया ये यार 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 हमजा से ये उम्मीद नहीं थी यार मुझे यार, हमजा सारे गुंडे लेके आ गया यार सबको इतना मारा इन लोगों ने हम दुल्हन वालों को अब क्या जवाब देंगे इतनी मुश्किलों से काकू का रिश्ता मिला था यार चुप हो जाओ यार अली को भी बहुत मारा है कुछ करेंगे हम लोग यार मैं काकू की शादी होने दी यार यार क्या जवाब देंगे यार हम खामोश नहीं बैठेंगे हमजा को इसका हिसाब देना होगा ऐसा टेंशन नहीं ले हम कुछ ना कुछ करेंगे कालिया बिचारे को बहुत मारा उन्होंने कालिया वही कालिया बेहोश हो गया कालिया हमजा से मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी और मुझे नहीं पता था कि हमजा हमारे साथ ऐसा करेगा हालांकि हमजा को भी मैंने कहा था कि हमजा तेरी भी मैं शादी करवाऊंगा और मुझे तो हमजा की चाल समझ ही नहीं आई कल हम लोग मेहंदी का फंक्शन कर रहे थे अचानक से हमजा गायब हो गया और आज जब हम लोग काकू की बारात लेके जाने लगे तो अचानक से हमजा आया और काकू को किडनैप करके ले गया और हम सबको इतना मारा भी उधर से लड़की वालों की कॉल्स पे कॉल्स आ रही है मैं खुद परेशान हो गया हूँ इतनी टेंशन हो रही है हमारी भी इज्जत का सवाल है लड़की वालों की भी इज्जत का सवाल है लड़की वालों को कोई ना कोई बहाना लगा दो कि काकू बीमार हो गया
पाँच छह दिन तक हमारा वेट करो, जब तक काकू मिल भी जाएगा। यार ऐसा ही कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। चलो उनसे बात करके चेक करता हूँ, उनको मनाने की कोशिश करता हूँ। यार उनकी तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि कब से हम और पता भी नहीं है कि हमजा काकू किडनैप करके कहाँ लेके गया है। भाई असद यार, चड्डीलाल तू भी काकू को ढूंढ, कालिया को भी इतना मारा है उन लोगों ने, कालिया तू भी ढूंढ, और हम लोग भी भाई अब यही करते हैं, काकू को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यार हमजा तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तुझे इसका हिसाब देना होगा, तुझसे हम जरूर बदला लेंगे। और भाई टेंशन में हमने अपने पेट्स को खाना भी नहीं दिया है, चड्डी लाल से मैंने खाना मंगवा लिया था अपने पेट्स का। ये लो यार आ जाओ पेट्स, खाना खाओ और दुआ करना कि हमें काकू मिल जाए। यार हमें भी याद आ रही है यार, इतनी मुश्किलों से काकू के लिए हम लोगों को रिश्ता मिला था। ये लो यार चड्डी लाल, सारे डॉग्स को यार दे दे पंजे। यार हाँ यार ये पता नहीं क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है हमारे साथ। यार हमजा यार प्लीज ऐसा मत कर, मैंने तुझे कहा है और पहले भी मैंने तुझे कहा था तेरी शादी कराऊंगा, और अब भी तुझे कह रहा हूँ काकू को वापस लेके आ जा, पक्का तेरी भी शादी करवाऊंगा, ऐसा मत कर हमारे साथ यार। चड्डी लाल जल्दी दे दे। और यार मैं तो सोच रहा था हम लोग काकू की शादी करवा देंगे, काकू की शादी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग रॉकी और ब्राउनी की शादी करवाएंगे। मुझे क्या पता था प्रोग्राम बढ़ जाएगा यार। सारे पेट्स को खाना शाना खिला के मैंने खुड्डे में बंद कर दिया, और चड्डी लाल असद और कालिया को मैंने काकू को ढूंढने के लिए भेज दिया। और वैसे बिल्कुल भी हमजा से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, हमजा को मैंने पहले भी कहा था कि हमजा मैं तेरी शादी करवाऊंगा, और हमजा को एक और चांस मैं दे रहा हूँ, प्लीज अगर हमजा तू हमारी वीडियो देख रहा है तो काकू को वापस लेके आ जा, काकू की शादी हो लेने दे, उसके बाद मैं तेरी भी शादी करवा दूंगा, प्लीज मान जा यार, क्योंकि लड़की वालों के फोन पे फोन आ रहे हैं, कब तक हम लोग लड़की वालों को बहाने लगाएंगे। आज तो मैंने बहाना लगा दिया लड़की वालों को कि काकू की तबीयत खराब हो गई है, और भाई अब हम लोग फुल कोशिश करेंगे काकू हम लोगों को मिल जाए, जैसे ही काकू मिलेगा तो फिर हम लोग काकू की शादी करवाएंगे, और मगरिब की अजानें भी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा सैड है, अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। चलो यार चलो, विनीजो बंद कर देते हैं, और शादी के चक्कर में ना भाई मिनी जू में मैंने काकू भी लेके आनी थी, वो भी नहीं, मतलब मैंने बोला पहले काकू की शादी हो जाए उसके बाद हम लोग सारा सेटअप करेंगे, अब काकू की शादी करानी थी तो अचानक से काकू किडनैप हो गया, मुझे क्या पता था हमारे साथ ये होगा। घर आ गए थे अभी तक काकू का कुछ अता पता नहीं चला, मैंने चड्डी लाल काली और असद को काकू को ढूंढने के लिए भी भेजा था, उन लोगों ने हर तरफ काकू को ढूंढने की कोशिश की लेकिन काकू का कुछ अता पता नहीं चला। हमजा पता नहीं काकू को कहाँ लेके चला गया, हमारे सामने ही हमजा काकू पे इतना जुल्म कर रहा था, और पता नहीं काकू को कहाँ रखा होगा, काकू किस हाल में होगा। गाइस बस आप लोग दुआ करो, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि हमें काकू मिल जाए और हम लोग काकू की शादी करवा दें। भाई मैंने फिर से असद और चड्डी लाल और कालिया को भेज दिया था कि वो काकू को ढूंढें, लेकिन भाई कोई अता पता नहीं चल रहा है। मैं हमजा को कॉल्स भी मिला रहा हूँ, हमजा का नंबर भी ऑफ आ रहा है। हमजा अगर तू हमारी ये वीडियो देख रहा है तो मैं तुझे एक चांस दूंगा, प्लीज़ तू काकू को वापस लेके आ जा, पक्का मैं काकू की भी शादी करवाऊंगा, तेरी भी शादी करवाऊंगा यार, प्लीज़ वो बेज़बान है उस पर जुल्म नहीं कर यार, बहुत ज़्यादा टेंशन हुई है क्योंकि लड़की वालों का भी फ़ोन आ रहा है, उनकी भी इज्जत का सवाल है गाइस, प्लीज़ यार हमजा प्लीज़ ऐसा मत कर, बेचारे वो बोल भी नहीं सकता काकू। गाइस बस इस व्लॉग को मैं यहीं से एंड कर रहा हूँ, आप लोग दुआ करना कि हम लोगों को काकू मिल जाए और हम लोग काकू की शादी करवा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।